यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। दिवाली का त्यौहार था कल, लेकिन आज तमाम लोगों को जिन्हें दिवाली विश नहीं कर पाए उन सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा भी है आज और विश्वकर्मा दिवस भी है। तमाम त्यौहारों की आपको शुभकामनाएं। अब दिवाली का त्यौहार गुजर चुका है और पूरे देश में धूमधाम से ये त्यौहार मनाया गया, ये पर्व मनाया गया। रोशनी का ये पर्व सभी ने हर्षोल्लास के साथ मनाया, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियाँ खुलकर उड़ाई गईं और इस बात का एहसास लोगों को तब हुआ जब दिवाली की अगली सुबह वो सोकर उठे, क्योंकि दिवाली के जश्न में भूल गए थे कि क्या कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन दिवाली की अगली सुबह जब लोग सोकर उठे, खासतौर से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लोग, तब उन्हें एहसास हुआ कि रात में क्या कुछ हुआ था। क्योंकि उस वक्त नज़ारा जो था वो आँखों से देख नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा दूर तक देख नहीं पा रहे थे। आँखों में जलन जो पिछले कई दिन से दिल्ली और आसपास के लोगों की आँखों में थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, और ये जलन देर रात तक जागने की नहीं बल्कि ये जलन उस धुएं की थी जो रात भर आसमान में फैलाया जा रहा था। जहर घुल रहा था धुएं के माध्यम से। दिवाली के मौके पर चलाए गए अंधाधुंध पटाखों से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और जो आसपास के इलाके हैं, सोनीपत, रोहतक तक में हालात खराब देखे गए और लोगों की परेशानियां बढ़ती रहीं। हालत बेहद ख़राब हुए इस दौरान। अभी अगर आप दिल्ली में कोई जाता है तो उसको एहसास हो जाएगा, दिल्ली में एंट्री करते ही, सोनीपत से एंट्री करते ही, फरीदाबाद में और नोएडा में और गुरुग्राम में एंट्री करते ही कि क्या कुछ हालत है, कितना ख़तरनाक है ये धुआं। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। और आज देश की आवाज़ में इसी पर बात करनी है। आप अपनी राय रखिए। सवाल कि आखिर इस स्मॉग में जो दिल्ली घुट रही है इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? गुरुग्राम, फरीदाबाद में किसने ये धुआं धुआं किया है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ? आखिर क्या कुछ वजह रही? त्यौहार पर भारी पड़ जाती हैं, आस्थाओं पर भारी पड़ जाती हैं, आस्थाएं भारी पड़ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट पर। क्या सेहत से ज़्यादा हमारे लिए पटाखे जलाना ज़रूरी है? और लोग जलाते भी हैं तो क्या सिर्फ एक परंपरा के निर्वाहन और एक जो कह सकते हैं कि शुभ होता है तो एक दो से काम नहीं चलता कि हमें पूरी रात भर पटाखे जलाना ज़रूरी है? इस पर आपकी जो भी राय है कि प्रदूषण जो बढ़ रहा है इसको ख़त्म कैसे किया जाए, बढ़ते प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार किसको मानते हैं? सिर्फ दिवाली नहीं, इससे पहले से ही लगातार जो प्रदूषण बढ़ जाता है ऐसे माहौल में, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ सकते हैं खासतौर से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, इस तरफ के गाज़ियाबाद, इस तरफ के लोग जुड़ें, बताएं कि क्या कुछ हालत है और इसको आपने किस तरह से महसूस किया है। जो भी आपकी राय है, जो भी आपके जहन में है, रोहतक तक से खबरें आई कि यहाँ पर भी हालत ख़राब है और इसका एहसास हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि हवा में एक अलग तरह की स्मेल है जो मसाले की और जो बारूद होता है उसकी, और सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। तो जो भी आपकी राय है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो पाया, इस तरह के आदेशों से क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा कि दो घंटे के लिए पटाखे जलाए जाएंगे जबकि रात रात भर पटाखे जलाए गए, सुबह से ही पटाखों की आवाज़ सुनाई देती है और अब भी आप सुन सकते हैं कहीं ना कहीं, तो किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? दिल्ली जो घुट रही है, दिल्ली में जो कुछ हालत है और आसपास के इलाकों में जो कुछ हालत है। बलदेव जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से। बलदेव जी स्वागत है आपका। पहले तो आपको दिवाली की मुबारकबाद जी। शुक्रिया, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो इसके लिए जिम्मेवार हैं जी। एक एक मिनिस्टर के पीछे 500 गाड़ियां चलती हाँ। है राजनीतिक कोई हो, ऐसे ही जो अफसर है उनके पीछे, डीसी जाएगा तो उसके पीछे भी 10-12 गाड़ियां होंगी, तो उससे ज्यादा प्रदूषण है। और बाकी ये तो एक दिन का है, ये भी इनको बैन करना चाहिए, पटाखे बनाने ही नहीं चाहिए जिससे हमारे ये बारूद ये गोला बारूद के काम आए बारूद जी। पर पता नहीं गवर्नमेंट क्यों बनवाती है इतने ज्यादा, इसको बैन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम बात कही और उसी बात पर मेरे जहन में भी एक बात आई, मेरे सहयोगी ने मुझे बताया
कि जब अभी आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, कि दिवाली मनाइए, खुशी के साथ मनाइए और पटाखे मत फोड़िए, प्रदूषण मत फैलाइए, पर्यावरण के बारे में सोचें, तो ऐसे ही गाइडलाइन अपने तमाम देश के नेता अपने कार्यकर्ताओं को दें कि जब हमारी चुनावों में जीत हो, जब हमें कोई बड़ा पद मिले तो पटाखे ना जलाएं आप, प्रदूषण फैलता है। दिवाली के मौके पर हो चाहे वैसे हो, इलेक्शन अब आएंगे, अब देखना आप 5 राज्यों में इलेक्शन है, जीत होगी चाहे किसी भी पार्टी की हो, फिर देखना कितने पटाखे फोड़े जाते हैं, तो क्या उससे प्रदूषण नहीं फैलता? एक सवाल ये है। अब न्यू ईयर आने वाला है कुछ दिन बाद, अगले महीने से उसकी तैयारी शुरू हो जाएंगी, तो उसको पहले से ही अगर उसको लेकर गाइडलाइंस दी जाएं, दिवाली का त्यौहार है, यहाँ पर आस्थाएं हो सकता है भारी पड़ जाती हों आदेशों पर और अपीलों पर, लेकिन न्यू ईयर पर तो किसी तरह की कोई आस्था नहीं है, वो तो कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं मनाया जाता कि वो उसमें किसी तरह की पूजा होती हो, तो उस तरह पर उस दिन कोई खास ध्यान रखा जाए, उसके लिए पहले से लोगों को जागरूक किया जाए, लोग खुद सोचें। आदित्य जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका आदित्य जी। कि पटाखे के काजी पटाखे की चर्चा ये कई साल से चल रही है, लेकिन इसके साथ ही ये जो हमें पूरे साल भर की समस्या है उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक प्रदूषण लगातार 365 दिन की समस्या है, उसके लिए सबसे पहली बात जैसे व्हीकल, तो चलो व्हीकल तो दूसरी बात हो गई, लेकिन जो गैर जरूरी चीजें जैसे सिगरेट, वो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है सिगरेट, और उसके उसके पीने से आदमी भी मरता है, उसके पास का पर्यावरण प्रदूषित होता है, जो उसके आसपास जो छोटे बच्चे बच्चे उनके परिवारों के साथ आते हैं, जो पिता या माता पीते हैं आजकल सिगरेट वगैरह, उनको रोकना चाहिए, वैसे भी स्मोकिंग से कहते हैं कि फेफड़े में भी खराब पड़ता है, तो और हमारे वैसे बॉलीवुड के कलाकार जैसे आमिर खान, सलमान खान, ये अपनी फिल्मों में सिगरेट को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इनको पैसे देती हैं, बिल्स वगैरह इनको भी रोक लगाई थी। अब जैसे टॉक ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड कुमकुम और रमनी शर्मा के साथ सिगरेट का खूब प्रचार करा अपने पोस्टर में, तो उनको बैन लगाना चाहिए, इस तरह के मतलब सेंसर बोर्ड को इस तरह के सीन पे बैन लगाना चाहिए ताकि इनको रोक लग सके, और वाहनों को भी जो दो दो डीजल की रोक लगाना चाहिए, केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ा रही है ताकि लोग अपने जो है वाहन छोड़कर, डीजल की गाड़ियां छोड़कर, पेट्रोल गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए, सीएनजी की बसें जहाँ चलाए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, डायल कीजिए लगातार हमारे नंबर और हमारा सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। विजय जी हमारे एक और दर्शक हैं, स्वागत है आपका विजय साहब। नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी, कहिए। सर हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देता है लोगों के लिए कि आपको 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने हैं, ये गलत है, लोगों को क्यों आप आदेश देते हो? आप उन कंपनियों को ही बंद कर दो ना जो बम बनाती है, जिनसे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, सरकार उन पे तो लगाम लगाती नहीं साल भर जब वो कंपनियां चलती रहती हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ना उन कंपनियों पे लगाम लगाता कि आप कोई ऐसे पटाखे बनाने ही नहीं है जिनसे प्रदूषण होता है, जिससे प्रदूषण हो वो पटाखे आप बनाओ ही ना, उन कंपनियों को सील करो ना, वो कंपनियां तो सरकार को उनको परमिट दे देती है कि आप धड़ल्ले से चलाओ और लोगों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करो जितनी मर्जी, सुप्रीम कोर्ट को उन कंपनियों को बंद करवाना चाहिए जिनसे पटाखे बनते हैं, अगर वो बंद हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को लोगों को गाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ना पटाखे बिकेंगे और ना ऐसा होगा। ये भी बहुत अहम बात आपने कही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, कि हमारी सरकारें तमाम सरकारें चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो देश में हो, सिगरेट के लिए बड़े बड़े प्रचार करती हैं इसकी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उन कंपनियों पर रोक लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, बड़ा आसान है, ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी, ना आदेशों की जरूरत पड़ेगी, ना आपको करोड़ों लाखों रुपये ऐड में खर्च करने पड़ेंगे जो विज्ञापन किए जाते हैं, उन पर आप रोक लगा दीजिए, बहुत महंगी कर दीजिए, बहुत सारे सवाल हैं जो पटाखे बनाए जाते हैं इस पर पूरी तरह से रोक लगा दीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि आस्था की बात है, तो आस्था तो दियों से है, दिए जलाए जाते हैं दिवाली पर, जब श्री राम आए थे अयोध्या वापस तो उनके स्वागत में और उस खुशी में दिए जलाए गए थे, रोशनी की गई थी, तो उसके बहुत सारे इंतजाम आते हैं। सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है, लोग भी समझ रहे हैं कि सरकारें चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नासर जी नमस्कार। नागेंद्र सिंह नेगी जी, सरकार घाट मंडी हिमाचल से, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नेगी जी, कहिए। और जनाब ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार तो भगवान के बाद दूसरा भगवान का रूप हुआ करता है, और दिल्ली में देखिए आप एनसीआर में चार चार सरकारें बैठी हैं एनसीआर के आसपास, दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके बाद हरियाणा सरकार है, यूपी सरकार है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, वहां पर ही अगर कानून की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो आप देवभूमि हिमाचल से या जम्मू कश्मीर या पंजाब हरियाणा से क्या उम्मीद रखते हैं पराली ना जलाएं?
सर दिल्ली और उसके आसपास जितने गांव हैं वहां पर भी तो पराली जलाई जा रही है। दिल्ली में खुद 36% जो जनरेट प्रदूषण हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो दिल्ली में 9-9 मंजिला जो कूड़े के ढेर लगे हैं, हम पूरे NCR में लगे हैं, और ज्वालामुखी जो है वो 12 महीने जलते रहते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? खुद मतलब ये सब सरकारें और सुप्रीम कोर्ट इसको देख करके अगर किसानों के ऊपर ही ये सारा बोझ डाले तो ये बिल्कुल गलत है सर। जैसे पोलियो मुक्त भारत का एक अभियान चलाया, वैसे पॉल्यूशन मुक्त स्वच्छ भारत का एक अभियान चलाना होगा। अदरवाइज मिट्टी को खराब किया, पानी को बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने, आने वाली पीढ़ियों को वसीयत में अगर आप। जी नेगी जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हेलो जी प्रेम जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। सर 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 मैं ये कुछ कहना चाह रहा था कि ये जो फैक्ट्रियां इन्होंने बना रखी है शिवा काशी साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक, और ये इतना हैवी लेवल के ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है, ये मार्केट में आता है सारा का सारा मटेरियल, फिर सरकार इनको स्टॉल अलाट करवाती है सेल करने के लिए जी, और वो पैसा लगाती है सरकार, पैसा लगा के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है, तो इसको कहीं ना कहीं बीच में कहीं तो ब्रेक देना पड़ेगा। स्टॉल लगाने की क्या जरूरत है, प्रोडक्शन करवाने की क्या जरूरत है, फिर लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल, ये वो इतना हैवी लेवल के ऊपर ये खर्चा हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ इतना भारी खिलवाड़ हो रहा है, तो इसमें कितना रोल ये चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अगर एक बार आए उसको इम्प्लीमेंट कर दे गवर्नमेंट जी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो लोग सांस की बीमारी से परेशान होते हैं, एलर्जी होती है उन्हें किसी तरह की, अस्थमा है, दमा है, उनको तो इस आबो हवा में ही परेशानी है। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं, आप 4-5 पटाखे जलाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में कितने हानिकारक हैं, आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। लोग समझ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो फैक्ट्रियां बना रही हैं, जहां पर आपने इनको लाइसेंस दिए हुए हैं, क्यों दे रहे हैं लाइसेंस? आप स्टॉल लगवाते हैं, आप एक तरफ दावे कर रहे हैं, गाइडलाइन दी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सरकारें अपील कर रही हैं कि पटाखे मत जलाइए, आपके हाथ में है, रोक दीजिए इनको। जयप्रकाश जी को और हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जयप्रकाश जी, कहिए। सर सबसे पहले तो दीपावली और विश्वकर्मा दिवस की सभी दर्शकों को बधाई हो। आपको भी बहुत बधाई जी, कहिए। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसा ये सब लोग दर्शक कह रहे हैं कि भी प्रोडक्शन बंद करनी चाहिए, ये तो बहुत ही अहम मुद्दा है ही। और एक बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रदूषण दिवाली वाले दिन या उससे अगले दिन ही हुआ है? ये तो एक उसमें आग में छोटी सी चिंगारी भर है, ये प्रदूषण कितने दिनों से चल रहा है? जैसे दिल्ली में बोलते हैं कि भी पॉल्यूशन है, नाम किसानों का आ जाता है या फिर फैक्ट्रियों का आ जाता है या और आ जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिन पहले कबा के बरसात हुई थी और सारा पोल्यूशन धुल गया था, उसके 2 घंटे बाद ही दिल्ली में स्मोग एकदम से, कहा क्या वो हरियाणा की पराली का धुआं आ गया या फैक्ट्रियों का आ गया? ये व्हीकल्स जो है ये भी है, और जो सड़कों के किनारे, मैं खुद एस्थमेटिक हूँ, मैं इस चीज को अच्छे से समझता हूँ कि मुझे किस चीज से दिक्कत होती है। इसमें लुब्रिकेंट पार्ट जो हवा में होते हैं वो सबसे ज्यादा हमें दिक्कत करते हैं। हम कहीं भी सड़कों से गुजरते हैं तो सड़कों के किनारे, नाम ये हो जाता है कि गरीब आदमी है ठेला लगा रहा है, लेकिन जितनी भी ये फास्ट फूड की रेहड़ियां हैं ये खुले में ही सब कुछ बनाती है, ये पाव भाजी है, बर्गर है, ये सब कुछ खुले में चलता है, इनके प्रति और जो होटल हैं ढाबे हैं इनके प्रति भी सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन करनी चाहिए और उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं रेवाड़ी से, स्वागत है आपका। राकेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। राकेश जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपनी बात रखिए, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की। प्रदूषण की वजह बहुत सारी हो सकती है, तमाम ऐसी बातें हमारे दर्शक कह रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता है, 50-50, 60-60 सुरक्षा की गाड़ियों का काफिला होता है नेताओं के साथ, 10-10, 20-20 गाड़ियां चलती हैं, इससे भी प्रदूषण फैलता है, इस पर भी नजर रखी जाए। आपने परमिशन दी हुई है फैक्ट्रियों को, लाइसेंस दिए हुए हैं पटाखे जलाने के लिए, क्यों दिए हुए हैं?
जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं, उनका साफ कहना है कि दिवाली पर ठीक है, हमें जश्न मनाना है, खुशी की बात है, लेकिन पटाखे जलाने की ना कोई परंपरा है, ये तो धीरे 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 लोगों में शुरू हो गई, ना इसका कोई धर्म से जुड़ा हुआ है पटाखे जलाना। हाँ, दिए जलाना और दियों से अगर वो घी के दिए जलाएं, तेल के दिए जलाएं, सरसों के तेल के, तमाम तरह के और हर्बल दिए जलाएं तो उससे और फायदा होता है पर्यावरण में, तो उससे फायदा हो सकता है, तो आप परमिशन क्यों दे रहे हैं? अब आप रोक लगा दीजिए, सरकार रोक लगा दे बिल्कुल पूरी तरह से कि बिल्कुल नहीं बिकेंगे न्यू ईयर पर। न्यू ईयर पर भी बहुत सारे पटाखे जलाए जाते हैं, इस दिन रोक लगाई जाए। सरकारों के हाथ में सब कुछ है, लोग समझ रहे हैं कि आप दुनिया भर के विज्ञापन आप करवा दीजिए, करोड़ों रुपये खर्च कीजिए कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बड़े बड़े आप सिनेमा हॉल में चलाइए, वहाँ पर विज्ञापन नज़र आते हैं, टीवी चैनल्स पर नज़र आते हैं, और आपने एक तरफ फैक्ट्रियाँ चलाई हुई हैं, आपने एक तरफ कारखाने चलाए हुए हैं, उनकी कंपनियाँ चल रही हैं, सिगरेट्स की बना रही हैं, आप उन पर किसी तरह से पाबंदी लगाने की कोशिश कीजिए, करोड़ों रुपये बचाइए अपना, लेकिन आपको वहाँ से भी पैसा कमाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रदूषण के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, पराली जलाने की वजह से भी बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, क्योंकि इस बार की अगर बात की जाए तो फतेहाबाद जो पंजाब से लगता है इलाका, हरियाणा का और कैथल, यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं पराली जलाने की, ये भी वजह हो सकती है। दिवाली के मौके पर यहाँ के लोग, जो लोग हैं दिल्ली आसपास के लोग हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि क्या कुछ उनकी हालत है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सरदार अहमद जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सरदार जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए जी। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, कहिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, हमारा त्योहार साल में एक दफा आता है, दिवाली का तो नाम बदनाम है। हाँ जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए जी। दिवाली हमारी साल में एक दफा आती है, उसका तो नाम बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। हाँ। सरकार की नाकामी है ये सब जी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। त्योहार साल में एक बार आता है और उसको बदनाम कर रखा है इस त्यौहार पर। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन हाँ काफ़ी मात्रा में कल के वक्त में और आज के वक्त में दिल्ली में बहुत फ़र्क पड़ा है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हवा में जहर घुला है और वो पहले से घुला रहा है। गाड़ियों के प्रदूषण की बात की जाए, फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण की बात की जाए, इसके अलावा और भी वजहें हैं। और इस पर क्राइम, अभी अखबार में खबर आई थी, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो, कि सिंगापुर में भारतीय मूल के लोगों ने पटाखे जलाए और आतिशबाजी की, उनके ऊपर उनको 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो इस तरह के इसको क्राइम, अपने देश में भी पाबंदी लगाई थी कि अगर कोर्ट के आदेश थे कि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जाएंगे और उसके बाद अगर कोई जलाता है तो वो कोर्ट की अवमानना होगी, पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए थे। सुबह मैं सुन रहा था, आपने भी सुना होगा, कि दर्शक कह रहे थे कि ग्रीन पटाखे जलाइए। अरे भाई, ग्रीन पटाखे कैसे ग्रीन पटाखे होते हैं वो बताइए भी तो सही, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। जयवीर जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जयवीर जी, कहिए। सर पहले तो कहना चाहूंगा दिवाली की मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारकबाद सर। सर प्रदूषण केवल दिल्ली में ही, पूरे देश में है जी। जी देखिए आप, दशहरे पे बड़े बड़े लीडरों ने कितने, हर छोटा बड़ा कोई कितने राउंड जलाए, उनके अंदर पटाखे प्रदूषण था। किसी ने गौर नहीं किया जी इस बात पे जी। ठीक है जी। और जो फैक्ट्रियां हैं जितनी दिल्ली में, हरियाणा में, गुरुग्राम में, ये भी प्रदूषण का कारण है जी। जी ठीक है जी। जी और सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जो फैक्ट्रियों को ऐसे यंत्र लगे जो इससे प्रदूषण कम हो। गाड़ियों की संख्या देखियो जी, दिल्ली में एक आदमी परिवार में 4 सदस्य है तो 4 की अलग अलग गाड़ियां हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो बहुत सारी वजह हैं, पटाखों की वजह हो सकता है, गाड़ियों का प्रदूषण है, पराली भी एक वजह है। हमारे दर्शक ने ध्यान दिलाया कि रावण जलाया जाता है, जगह जगह जलाया जाता है, चलिए ठीक है, वो एक परंपरा है, त्यौहार है, लेकिन लंबे लंबे बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाती है, उस दौरान बड़ी बहुत आतिशबाजी होती है और उसके बाद फिर लगातार त्योहारों का मौसम होता है। अब हमारे नेता चुनाव जीतेंगे तब ये आतिशबाजी करेंगे, अभी लोगों से अपील कर रहे हैं, कि पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए, अभी अपील कर रहे हैं, अभी चुनाव के बाद फिर इनके कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे, धुआंधार तरीके से आतिशबाजी की जाएगी, बम छोड़े जाएंगे, बम पटाखे छोड़े जाएंगे, जश्न मनाया जाएगा, तो जश्न मनाने का यही तरीका थोड़े, और भी तरीके हो सकते हैं। आपकी जो भी राय है आप जुड़ सकते हैं कि किसको जिम्मेदार मानते हैं और इस पर कंट्रोल कैसे लगे, महसूस आप कर सकते हैं,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन लोगों ने आतिशबाजी की होगी रात में, उन्हें पता भी चल रहा होगा कि हाँ क्या कुछ कितनी खतरनाक है ये, कि सुबह आपका एकदम तबीयत अजीब सी हो जाती है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। मनीष जी हमारे साथ हैं, मनीष जी स्वागत है आपका। पहले तो जी आपको नमस्कार, मेरी दिवाली मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक दिवाली की जी। मेरी उम्र जी बताइए, 55 साल की उम्र है मेरी जी। अच्छा बुरा मैं सब जानती हूँ। अच्छा, जितनी जिम्मेवार कांग्रेस है इतनी जनता है। हाँ, कांग्रेस जनता को तो ये, इसकी नेताओं को तो ये सोचना चाहिए, अब बड़ी कंपनी बंद करे पहले पटाखों की, हर चीजों की, पन्नी की, तम्बाकू की, सिगरेट की, बड़ी कंपनी बंद करो जी। और चीज नहीं आएगी तो जनता कैसे खरीद लेगी। बिल्कुल। अच्छा ये जो प्रदूषण हो रहा, जनता भी इतनी दोषी है, अपने बच्चों का भविष्य आगे के लिए जनता को सोचना चाहिए, अपनी तो कटेगी बच्चों की कैसे कटेगी जी। और ये सारी गलती सरकार की है, पहले ही से ऊपर बंद करना थे। और CIB में बड़ा अधिकारी पकड़ा गया तो यू बहुत अच्छा है, पकड़ेगा कोर्ट में भी जो बड़े अधिकारी बैठे रह जाए छोटे पकड़ लेते हैं, यू बहुत अच्छी खुशी की हुई, ऐसी ऐसे ही पकड़ी जाए। ठीक, हाँ, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो हमारे देश की आवाम, देश की जनता भी सब कुछ समझती है, और बार बार लोग भी कह रहे हैं, मैंने भी कहा कि सरकारें चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, सारे अधिकार होते हैं सरकारों के ऊपर। बलवीर जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बलवीर जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार बलवीर जी, कहिए जनाब। इसके लिए तो सरकार को मैं जिम्मेवार समझूंगा जी, जी। क्योंकि जब ये कोई मंत्री MLA जीतता है जी, तभी देखो कितनी अस्तबाजी, कितने पटाखे छोड़ता, प्रदूषण नहीं होता जी। बिल्कुल। जबकि ये सरकारी जयंती कोई मनाई जाती है, सपोज करो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती मनाई जाती है, इसमें कितने पटाखे, कितने अस्तबाजी चलती है, कौन चलाता है, सरकारी चलवाती है, तब प्रदूषण नहीं होता जी। जी। आप जहाँ से ये पटाखे बंद है, पटाखे बनाने बंद क्यों नहीं करवाते जी ये। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, लखीमपुर खीरी से हैं, राहुल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राहुल जी। राहुल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए जी। नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए जी। ये जो पटाखे की आतिशबाजी है, ये तो कल जो बहुत ज्यादा हुई थी। हाँ, और ये जो है मतलब कल कोर्ट ने भी आदेश करा था इस पे कि इतने टाइम टाइम में जलाना है, लेकिन इसका कोई पालन नहीं करता है, बल्कि ये बड़े लोग जो है, नेता लोग यही चलाते हैं, और इसको इसी के कारण जो है प्रदूषण होता है। कोर्ट तो जो है मतलब सिर्फ छोटे इंसान के लिए बना है, बाकी बड़े लोगों के लिए कुछ नहीं, नेता लोग ही इसका जो है पालन नहीं करते हैं। और ये मीडिया पे खूब बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम प्रदूषण बचा रहे हैं और प्रदूषण से बचना है, ये मतलब यही लोग इसका उल्लंघन करते हैं। सीधे सी बात है ये कि जो है कि प्रदूषण कल इतना हुआ है, आतिशबाजी यहाँ अपने लखीमपुर खीरी से इतनी हुई है। अच्छा। प्रदूषणबाजी बहुत ज्यादा कि निकलना मुश्किल हो जाए, कि आदमी इतना। अच्छा, आपके यहाँ पर माहौल कैसा है, हवा कैसी चल रही है, आसमान किस तरह का नजर आ रहा है आपको राहुल? यहाँ पे इतनी धुंध छाई हुई थी सुबह कि कुछ मतलब इसे लग रहा है कि धुआं ऐसा है, और रात में इतनी ऑक्सीजन मतलब ऐसा होता है कि मतलब धुएं का सब जो है गुबार आ रहा हो, तो निकलना बैठना मुश्किल है। हमें तो लगा रहा कि इस बार पटाखों की आतिशबाजी कम होगी, लेकिन नहीं हुई है। कोर्ट ने जिस हिसाब से कहा था कि आतिशबाजी नहीं होना है, इतनी आतिशबाजी बंद होगी, लेकिन इतनी आतिशबाजी इस बार हुई है, बहुत ज्यादा आतिशबाजी हुई है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो ये और बात है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, दिशा निर्देश थे, गाइडलाइन थी कि 2 घंटे चलाए जाएंगे पटाखे 8 बजे से 10 बजे तक। अलग अलग जगहों से जब खबरें आई, हमारे रिपोर्टर्स ने बताया, तो उनका ये कहना था कि पिछले सालों के मुकाबले और ज्यादा आतिशबाजी इस बार की गई है। कंट्रोल तो दूर की बात है, या कम होना तो दूर की बात है, पहले के मुकाबले और भी कई जगहों पर ज्यादा आतिशबाजी की गई है, पटाखे छोड़े गए हैं। और लखीमपुर खीरी, अब आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में तो गाड़ियों का पॉल्यूशन है, पटाखों का पॉल्यूशन है, वैसे ही दिल्ली में जहर घुला हुआ है हवा के अंदर। जो दूसरे और छोटे छोटे शहर हैं, वहां के लोग भी समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ बेहद खराब हालात हैं। और चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, इतना खूबसूरत शहर, यहाँ पर भी महसूस किया जा सकता है। तो ये हम सबके लिए परेशानी है।
लेकिन सरकारें, जो बार बार तमाम दर्शकों ने भी कही कि सरकारें सब कुछ कर सकती हैं, आप गाइडलाइन देते हैं, आप दिशा निर्देश देते हैं, आप अपीलें करते हैं, इन अपीलों के बजाय आप कुछ सख्त कदम उठाएं। आस्थाओं की जब बात आती है तो लोग समझते हैं, अब लोग समझ रहे हैं, बच्चों को भी समझा रहे हैं कि आस्थाएं हमारी किसी और चीज़ से जुड़ी हुई हैं, पटाखों से नहीं जुड़ी हुई। अपने ऊपर भी कंट्रोल रखें, अपने कार्यकर्ताओं को आप दिशा निर्देश दे दीजिए कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई पटाखा नहीं जलाना है जब हम जीत कर आएँ, तब पता चलेगा कि आप वाकई में लोगों की फिक्र कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।